स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। पानी का सोर्स यहाँ पे ये है। तो चलिए दोस्तों, स्वर्ग में पहुंच चुके हैं ये। और अब तो पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि मानसून आ ही गया है, मतलब जीजू जीजू है। नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी लोग? तो आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग, और इस ब्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप मेरे पीछे नज़ारे तो देख सकते हो, ये है पूरा उत्तरकाशी सिटी। और आज का ब्लॉग मतलब सीधे यहाँ कुटैटी से शुरू हो रहा है। मैंने सोचा कि आपको काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे दिखाता हूँ, और आज जाने वाला मैं एक खूबसूरत से ट्रैक पे, वहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल बने रहे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों में मानसून आ ही गया है, मतलब चारों एकदम कोहरा ही कोहरा हो रखा है, और सुबह से हम लगातार बारिश हुई जा रही है। कुछ यह आज सामान है, यह है भैया का बैग और हेलमेट वगैरह, इसमें जितने भी ट्रैकिंग के सामान वगैरह, 3 स्लीपिंग बैग और टेंट, और इसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं। और आराम से आप व्यू का एंजॉय कीजिए। आज के साथी होने वाले हैं हमारे लेडी की स्माइली भैया, जो कि हमारे साथ हरी महाराज के ट्रैक में भी थे। तो कैसा लग रहा है भैया? बस काफ़ी मज़ा आ रहा है व्लॉग में, और व्लॉग में ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि व्लॉग को दिन तक जरूर देखना भाई का। तो फिलहाल अभी चलते हैं आराम से ट्रैक में, वरना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपको काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे दिखाएंगे इस व्लॉग में। और आ रहा है, और अब तो पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि मानसून आ ही गया है, मतलब सुबह भी बारिश, दिन में भी बारिश और रात को भी बारिश, मतलब हर टाइम बारिश ही बारिश। और आप पीछे तो देख सकते हैं चारों और एकदम कोहरा ही कोहरा लग रखा है। हमने भी सोचा कि इस मतलब जब इतना खूबसूरत सा मौसम हो ही रखा है, तो एक ट्रैक भी कर लेते हैं। फिलहाल इंजॉय कीजिए ब्लॉग का, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे हम भी चौरंगी में, और यहाँ पर भी नीरज भाई लोग भी आ गए हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं अभी ऊपर हरुणता के लिए। तो मौसम भी वरना धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है, तो इसलिए जितनी जल्दी निकलेंगे उतने हम फायदे में रहेंगे। और आप देख सकते हो कोहरा लग रहा है एकदम खतरनाक वाला, और हल्की बूंदाबांदी तो हो ही जा रही है। दोस्तों आज के साथ ही हैं दिवाकर भैया और नीरज भैया, तो हम टोटल आज 4 लोग हैं, और सबसे छोटा उनमें से मैं ही हूँ। तो बारिश भी होने लग गई है, तो फिलहाल अब जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, और न कहीं पता लगा आधे रास्ते में बारिश लग रही है और यहीं फंस जा रहे हैं। तो फिलहाल बने रहें ब्लॉग में, निकलते हैं यहाँ से। देखो यार, आप काफ़ी फिसलन वाला हो रखा है, तो मैंने अभी चप्पल पहन लिए हैं और चलते हैं भी आराम आराम से, क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी ना काफ़ी खतरनाक, तो इसलिए काफ़ी फिसलन वाला रास्ता हो रखा है। अपने स्वर्ग में स्वागत हो चुका है। ये देखो चार ओर एकदम कोहरा ही कोहरा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अभी तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, अभी तो थोड़ा थक रखा हूँ मैं, हम चलते हैं आराम आराम से। तो चलिए दोस्तों, स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। ये देखो चार ओर एकदम कोहरा ही कोहरा है, और काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने वाले हैं अभी इस ब्लॉग में आगे। और ये देखो अभी आप चार एकदम कोहरा लग रखा है, और खतरनाक ही व्यू, मतलब और थक भी लग गई है। अब धीरे धीरे चले जा रहे हैं हम, अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, उसके बाद आराम से आपको फुल सब चीज़ दिखाएंगे, मतलब फुल। ये जो ट्रिप है ये अनप्लानिंग ट्रिप है, मतलब एकदम अचानक से प्लान बनाया हमारे यहाँ जाने के लिए। नीरज भाई ने मेरे को कॉल किया कि मतलब एक दिन पहले किया था कॉल कि हरुणता चलते हैं, और मैंने बोला कि जब जाना है तो आज चलते हैं। तो फिलहाल अब बाद में मेरे यहाँ पेपर भी होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, और यहाँ पे तो मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। पानी का सोर्स यहाँ पर ये है, ये देख सकते हो आप, मतलब यहाँ पर काफ़ी ठंडा पानी है, जैसा कि फ्रीज के मुकाबले, मतलब फ्रीज को भी टक्कर दे रही है पानी। ये है पहाड़ों के पानी में शक्ति, और धूप भी आ गई है। ये देखो सूर्य भगवान भी आ गए हैं, थोड़ी देर पहले बारिश हुई और अब धूप लग गई है। चलते हैं आराम आराम से भी। चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी
हम पहुंच चुके हैं हरुंता बुग्याल में, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके यहाँ पे सारे धन वगैरह है, मतलब गाय भैंस वगैरह है, गाय तो नहीं है पर बैल और भैंस वगैरह है यहाँ पे। यहाँ से भी आगे कुछ ट्रैक है, आगे वहाँ का नाम तो अभी पता नहीं है, वेंकल जी से पूछेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक चलते हैं, जब इतना आ गए हैं तो दो दिन आज और कल हमने रहना है, तो आज कल आज मतलब वहाँ रह लेते हैं और कल यहाँ आ जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे अंकल जी चाय बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देख सकते हो आप चारों एकदम कोहरा ही कोहरा लग गया है, और टॉप की जगह पे तो ऐसे ही होता है यार, मतलब आधा एक घंटा भी नहीं हुए थे हमें आए हुए, तो 10-15 मिनट 20-30 मिनट हुए होंगे और एकदम कोहरा लग गया एकदम चारों और खतरनाक। ये देखो जरा आप, पूरा कोहरे से ढक गया है ये छानिया वगैरह। तो अभी देखते हैं आगे जाते हैं या इधर ही साइड कहीं टेंट लगाते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं अभी आगे के सफ़र के लिए, अभी आधे घंटे का सफ़र तय किया है हमने यहाँ से आगे तक के लिए, मतलब ये आधा एक घंटे का रास्ता है। तो अभी स्लोली स्लोली चलते हैं, 3 बजने वाली है तो मतलब 4-4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। फिर अभी टेंट वगैरह भी लगाना है ना, और एक बार आप आवाज़ सुनो यार जंगल की। दोस्तों हरुंता बुग्याल से तो हम आगे आ चुके हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे तो मतलब एकदम स्वर्ग जैसा नज़ारा है यार। ये देखो यहाँ पे ये है पेड़, ये है देवदार के, और जितने भी यहाँ चारों ओर हैं सारे ही जगह देवदार के पेड़ हैं, और टॉप टॉप की जगह ज़्यादातर देवदार के पेड़ रहते हैं। और ये है हरि महाराज भगवान का मंदिर। तो आज का स्टे इधर ही साइड हम कहीं पे टेंट लगाएंगे बढ़िया लोकेशन देख के। फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अंकल जी लोग, यहाँ पे ये जो ये है ना, इनको गढ़वाली लैंग्वेज में छिटला कहते हैं, तो इससे घीड़े वगैरह बनते हैं। दोस्तों आज की अपना जो टेंट है वो लग गया है, ये देखो सामने पे लगा दिया हमने टेंट, तो पूरा खतरनाक ही लगा दिया हमने टेंट। ये थोड़ा अलग टाइप वाला टेंट है ना, इसका पहले हिसाब ही नहीं बैठ रहा था किस तरीके से लगाएं, और पीछे तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। यहाँ पे मतलब टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लकड़ी के लिए, और भैया भी ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, नीरज बहलो तो चले गए हैं लकड़ी के लिए। तो चलते हैं अभी लकड़ी लाते हैं और फिर उसके बाद आग जलाते हैं। ये है यहाँ पे पत्थर जो कि है देवता का, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे त्रिशूल वगैरह जो लगा रखे हैं ना ये सिर्फ बस यही है, पर यहाँ पे देखा तो ये पूरा जो पत्थर है विशाल पत्थर, ये पूरा देवता का है। पहले दोस्तों अभी फिलहाल 5 बजने वाली है, और भैया और मैं जा रहे हैं अभी पानी के लिए। यहीं बगल में छोटा सा मतलब नदी भी नहीं बोल सकते उसे, ऐसा गजेरा टाइप का है, पर जो पानी है वो स्वच्छ है, मतलब पीने लायक है, सभी चीज़ नहाने वगैरह गंदा नहीं है मतलब ऐसे। तो वहाँ पे चलते हैं अभी पानी भरने के लिए। देख सकते हो बारिश होने लग गई है, तो हमने सोचा कि टेंट के चारों ओर एकदम नाली बना देते हैं, तो जितना पानी भी टेंट से निकलेगा तो चारों ओर नाली से सीधे बाहर चले जाएगा। उन्हें कहीं पता लग रहा हम रात को सो रखे हैं, और पता लग रहा है पूरा पानी गीला ही गीला हो रखा है, और सीधे रात को उठना पड़े तब। वैसे तो पीछे जो दिख रहा है ना वहाँ पे वो घर टाइप का, वो पंचायती है, वहाँ पे कोई भी रह सकता है, कि यहाँ पे जो अंकल लोगों उन्होंने बताया ही है। जैसे जैसे रात पड़ रही है वैसे वैसे जितने भी यहाँ पे धन छोड़ रखे हैं वो सारे इधर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इधर साइड इंसान रहते हैं ना, तो वो भी जानवर को भी डर लगती होगी क्या पता बाघ भूख की, तो धीरे धीरे इधर के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी एकदम ग्रुप बन जाता है जितने धन वगैरह हैं कम्युनिटी। फिलहाल अभी बनाते हैं यहाँ पर खाना बना रहे हैं अंदर छान के अंदर, यहाँ पर जला रखी है आग, और यहाँ पर देखो मुर्गा आ रहा है कि मेरी मीट पकाओ की। आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा अंदर आ जाएगा तो मीट पकाते हैं जिसकी। देखो 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 आने लगी आने लगी, आज पकाते हैं जरा इसको। पकड़ 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 पकड़। तो टेंट के अंदर आने लग गया पानी, ये देखो रेनकोट लगा के सोना पड़ रहा है अंदर। हां काम करे तो इधर इधर किसका ठंडू लगो ना तभी देखो तो भाई ठंडू चारों तरफ पानी पानी बैठी है। पानी नहीं बात बात पानी भी नहीं मेरे से रात का मार हाड़े हम देखो मेरे तो कमर आई दिक्कत भी बाल तो ताकू कहने आके ने जीजू
ये जो हाल है पकड़ 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 ये जो हाल है तेरे एन पार्ट बदल पार्ट एन पार्ट बड़ी ले के ए कानो मार जी ए जीजू तू आया हम खाने कानो मोई काचा ये बड़ी शर्मा की किस्म तू ये आवाज पता नहीं कैसी अजीबोगरीब आवाज रुको एक सेकंड में सुनाता हूं आपको भाई 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 अभी बज रहे हैं रात के 1:12 और यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी मसाला मैगी प्लस मसाला और कोई तो सोया नहीं है अभी तो फिलहाल अभी खाते हैं। थोड़ी देर पहले से हम बहुत परेशान थे कष्ट बता नहीं सकते आप चख लें सर लो ना आधा अभी तो झेला है हमने इस रात में काफी मजा आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है कुछ खाने के लिए मिला पेट में डर के माने और टेंशन के मारे भूख लग गई रात 1 बजे दवाई भी मिल चुकी है दोस्तों जैसे कोच में आज पूरे रात भर चावल है दोस्तों अभी भैया को घर वालों की याद आ गई है रात के 12 बजे 3 बजे क्या अभी हाँ 3 बजे सॉरी गाइस 12 बोल रहा हूँ 12 तो आगे टाइम बज रही थी अभी तो कॉल करने जा रहे हैं जरा यहाँ पे चलते हैं भी आराम से छाने में हमारे नेटवर्क पे किसी का आ नहीं रहा है आंटी लोगों को यहाँ पे जो रहते हैं उनका नेटवर्क आ रहा है।